छत्तीसगढ़ के कोरिया के टेंगनी ग्राम में एक दामाद ने ससुर की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि टेंगनी निवासी सुरेश कुमार ने अपने ससुर बछराव के सिर पर पत्थर पटक कर उनकी हत्या कर दी। बछराव अपने दामाद के ही घर पर रहता था। इस बात को लेकर ससुर व दामाद के बीच आए दिन विवाद होता रहता था, जिस कारण से क्रोध में आकर सुरेश कुमार ने रात 10:30 बजे खाट में सोए हुए अपने ससुर के सिर पर पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने फरार आरोपी को ग्राम गिरजापुर से काबू कर लिया है। ये घटना अभी हाल फिलहाल में दो हत्या की घटनाएं हुई हैं। एक 27/2/2021 को रात लगभग 9 बजे ये दसवीं बाई की हत्या उसके पुत्र जुगनू प्रसाद उर्फ सोनू ने किया था। उस पर भी उसने डंडे से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी, जिस पर प्रार्थी जो है मुश्ताक अली की रिपोर्ट पर अपराध कायम करके उसकी विवेचना की जा रही है। उसमें आरोपी को गिरफ्तार कर पहले ही रिमांड भी भेजा जा चुका है। अभी फिलहाल कल की जो घटना है, रात्रि 10:30 बजे के करीब ये सुरेश सिंह जो है अपने ससुर वृक्षराज की हत्या कर दिया। उसका कारण ये था, उसकी पत्नी विमला सिंह उम्र 30 वर्ष की ये रिपोर्ट लिखाई कि उसका शादी के बाद 1 साल बीतने के बाद उसका पिता उसके साथ ही रह रहा था। माँ की उसकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और उसके पिता के यहाँ ससुराल में उसके साथ रहने से उसके पति को काफ़ी दिक्कत हो काफ़ी परेशानी हो रही थी। वो विवाद करता था आए दिन उसी बात को लेकर कल रात्रि 10:30 बजे जब प्रार्थिया अपने कमरे में सो रही थी, उसका पिता पक्षी में जहाँ लाइट जल रहा था वहाँ सो रहा था, उसी समय लगभग 10:30 बजे इसका पति इसके कमरे में गया, इसकी लाइट बंद किया प्रार्थिया विमला के कमरे की और वहाँ से बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला उसके पिता के कराहने की आवाज़ सुनी, प्रार्थिया बाहर जाकर देखी तो लोढ़ा जो सील लोढ़ा इस्तेमाल करते हैं पत्थर का जो लोढ़ा था उसको दोनों हाथों से पकड़ के वह उसके सिर पे मारपीट कर रहा था। और जी आरोपी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपी को अभी गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ किया गया है, उससे एक मेमोरेंडम कथन के आधार पर हत्या करने वाला जो आला कतल है उस सील लोढ़े को उसने बरामद कराया है, उसको बाकायदा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर अभी भेजा गया है। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।